सर मगर क्या करूं, तुम मेरे को पगार दो। कितने कठोर हो तुम, क्या पगार पगार कर रहे हो, मेरी माँ बेहोश हो रही बार बार देख देख के। तो प्यास सुनाओ ना सर तुम, मगर मेरी पगार दो, नहीं तो मेरी दांत खिली बढ़ जाएंगी है, तुमको कह दे रहा सर मैं। ला पैसे दो तुम। तो तुम्हारे घर में माँ बाप नहीं है, है? क्या पगार पगार कर रहे हो, दुख दर्द नहीं है तुमको। अब मेरे को बोलने को मत लगाओ तुम्हें सर। हाँ तुमको बोल दे रहा मैं, तुम्हारे बाबा को तिजोरी के साथ दफना दिए क्या हो, तुम्हारे बाबा ने इन्हें नोटा जला के मार के क्या बोलने लगा रहे वहां पे। और मैं अंदर की बात बताऊ ना, है तुम्हारे दिल में खुद लड्डू फुट रहे रो रहे वहां पे, पगार बोल दो तो तुम। एक बात मेरे को फाइनल कह दो तुम, है मेरे को पगार दे रहे के नहीं दे रहे तुम, इतना कह दो तुम बस। एक बात बोलू तुमको, हाँ 6 महीने से ग्रांड नहीं स्कूल की, नोटों का ध्यान नहीं लगा, तोड़ू ला के दू तोड़ू ला के दू। हाँ तो जब गड्ढे आएंगे ना तुम्हारे पास, तो वो गड्ढे भी तुम ही रखेंगे, मेरे को कुछ आधा हिस्सा देंगे नहीं, तुम कुछ भी करो मेरे को पगार दो तो तुम। पट रहे क्या, जब ग्रांड आएंगी जब पगार मिलेगी ना। ये अलग मुसीबत है गवर्नमेंट की, भेजती नहीं पैसे यहाँ, यहाँ साला अपन अलग तल तल करते फिरो, बाप मरेंगे अनबैल बटेंगे। बात तुम दो तो पगार, जब पगार आएगी उधर से तो देखो दूंगा मैं, चल अभी। साधु कहाँ गए हो? अभी गए भाई, वो तो रिश्ता खाको कर रहे, मुर्गा लाओ मच्छा लाओ बादाम लाओ काजू लाओ, मैं तो समझी थी चाय पानी पी के देंगे वटा के, पर तुमने उनकी बहुत आओ भगत करके रखी। अरे तूने अभी मेरी आओ भगत देखी? देख मैं कैसी जाओ भगत करता उनकी, तूने मेरे को पहचानी नहीं, सीधा रास्ता पकड़ेंगे वो, अब भी गए ना वो, देख तू। क्या हो खालू, क्या कह रहा, कहाँ गए थे? आ गए थे। हाँ पहनो क्या था भाई, ऐसा क्या, बैठो बैठूंगा। हाँ बैठो। अरे बाप रे, अब क्या कह रहा? सुनाओ खालू, धंधा बिंदा कैसा चल रहा गांव में अपना? हाँ अरे हमारा तो बहुत मजे है भाई। ऐसा तुम्हारे ऐसा थोड़ी है। हाँ सोच के खा रहे हैं, मुझ के पी रहे हैं, एक महीने को पगार हो रही है तो 3 महीने के बाद पगार हो रही है। अरे अपना कैसा है, सुबह निकला साइकिल लेके घूमे गिरी गिरी गिरी, हम जापू वापस ये खाना। अरे वाह, तो पैसे किसे तो मजे के होंगे तुम्हारे पास, तो क्या बोल क्या रहा तू? अरे वो मैं कह रहा था कि वो साला जा पे मेरा खाता है ना। हा? वो साला दुकान बंद है आज, घर में ना साला पकाने कुछ नहीं है। तेरा बोलने का मतलब क्या भाई? तो मैं ऐसा कह रहा था थोड़े बहुत पैसे होंगे तो दे, तुम दो अभी। देख रहे भाई, मैं मुसाफिर आदमी है, इतने पैसे लेके निकल लिया मैं, अंका है मेरे को आधा भाड़ा लगता। ऐसा तेरे पास है मेरे कने? हाँ होगा, रहने दो तुम। हेलो बोल क्या कह रहा, घड़ी बड़ी मजे की दिख रही हो। क्यों? मैं कह रहा था दे देते तुम ये गिरवी रख के, कम से कम पकाने के पूरा सामान लेके आ जाता। बंद कर रहे तेरा मुसला, रिका में जाने बंद करना, कब तक चलेगा तेरा ऐसा? आज का दिन पास होगा बहुत होगा। आ, फिर कल क्या करेगा? तो कल मैंने एक जगह है ना मट्टी काम देख के आया, अपन दोनों साथ में काम करने जाएंगे वहाँ। उन दोनों? हाँ। अरे सिला गुजर तो रह जाओ खालू, रह जाओ ना, तुम्हारा घर है ये, कैसे बात कर रहे तुम? सिलगा उधर मैंने रहने वाला। अरे साला मेरे घर से ज्यादा निपटता तेरा घर है। हाँ जा मेरी पेटी ला। पेटी? अरे मेरी पेटी लाता, वो गुल्लू वाली पेटी। अरे हाँ मेरी पेटी है भाई वो। अरे बाबू ना साला कल भंगार वाला आया था, तो मैं क्या करूँ उसको? तो वो पेटी ना मेरी औरत ने बेच डाली, कल जो अपने नाश्ता करे ना, तो कल भी साला घर में कुछ नहीं था, तो मेरी औरत ने भंगार वाले को बेच डाली, वो नाश्ता जब ही हुआ अपना। सही कहते थे भाई रिश्तेदार मेरे को। क्यों दादा भाका जा रहे, कुछ भी बेच डालता बोले वो। अरे तो क्या करूँ, मजबूरी थी ना, खाने नहीं था ना कुछ घर में। अरे तो तूने मेरी पेटी बेच डाला, तो मजबूरी थी ना। अरे बहुत ही नहीं पता रहा तू, रहते रहे ऊपर। हाँ कभी खुश नहीं रहेगा तू। कालू मैं खुश है। जा रहे? अरे क्या खुश है, मैं मरगा तेरे वास्ते आज से, तू मरगा मेरे वास्ते। हाँ मैंने भी बांगी 75 दिया। अरे सिरत पेड़ के पत्ते भी मंगा लो तुम्हारे वास्ते, बात करेंगे वहाँ, खुश नहीं रहूंगा। अरे क्या दादा,
मजे में है ना? बारह बातें चलेंगी नहीं, मेरे को पैसे हो ना पैसे, और अब भी लूंगा पैसे मैं, आराम के नहीं थे मेरे पैसे, ये ऐसे थे ऐसे, समझे क्या? ये कोई रीत है क्या तुम्हारी? ले लिया और मुंडे छुपाते फिर रहे इधर उधर। अरे तो भाई मैं कहा कह रहा क्या, तेरे ऐसे नहीं थे ऐसे थे, तूने चुरा के लाया था कैसे? मेरे को पगार मिलन दे, सबसे पहले तेको ही दूंगा ना मैं। अरे वाह कमाल के बात कर रहे, तू जरा सा मेरे को टाइम दे। आहा, पैसे बस खाली पैसे हो ना मेरे को, जगह से हलुआ नहीं अब भी लेके जाऊंगा पैसे मैं। क्या क्या कह रहा मैं, तू सुने आ रहा है? इतना खामोश क्यों खड़े, ये जवान गिर गई अलग में गल के। अरे हाँ भाई, तो पैसे ही लेगा ना तू, थोड़ा सा टाइम दे मेरे को। तू तो इतने कैसे तेल में पूरा छोड़ रहा, क्या साला पूछने की बात नहीं? कुछ नहीं, 17 बातें मत करो तुम, मेरे को पैसे होना बस, और वो भी अब भी होना। हाँ और पैसे तो लेके ही जाऊंगा बादशाह में, मैं तो यही घड़े घड़े तगड़ा तोड़ डालूंगा मैं। हाँ और जाए इतने पैसे तुम्हारे को दिया ना मैंने, और थोड़े को इधर उधर लगा दूंगा मैं पैसे, समझे क्या? मगर पैसे तो अभी लेके जाऊंगा मैं। ओ भाई 12 बातें करियो मत, पैसे लेगा ना खाली तू, पैसे ही लेगा ना। वाह रे वाह, तंगड़िया तोड़ने के बात कर रहा तू तो, कमाल है तेरी हालत देख, तेरी सिपली के पुतले, नाक पकड़ूंगा तो दम निकल जाएगा तेरा, अलग ही अलग बात कर रहा किधर भी। अरे हाँ जिंदगी में पहली बार किसको कर्जा दिए ले तूने मालूम? हाँ यही खड़े रहे, अब भी ला के दे रहा तेको पैसे, जाइयो मत, हाथ खोल। मास्टर को देख रहा पैसे लेने का उनसे। हाँ 100-100 के नोट के ऐसे बंडल रखे ले घर में, गिन रहे हो, ला के दे रहे तुमको, खड़े रहो यही। ₹35 मीठा तेल ₹52 साबुन है क्या? साबुन है ना, कौन सा है? वो लक्स है। हाँ लक्स होना, माधुरी ने लाती के जिससे वो आला होना मेरे को है ना। तुम्हारी दुकान में इतनी अच्छी कैसी महक आ रही बाबा, बाबा इतनी कैसी खुमास आ रही। अत्तर लगाया ना मैंने, अत्तर अत्तर लगाया था तुमने? ऐसा कहाँ का है इधर? ये बाहर का है। ऐसा कितने का मिला? ₹500 का। इतना महंगा इतने कैसे फजूल खर्च है तुम, उससे अच्छा है ना 50 पैसे कापुर मल लेते ना आंकू, तो इससे ज्यादा महक आती थी मालूम? ये नहीं समझता, मैयत की महक आती उससे। तो मैयत की नहीं आती, लोग देखती है भाई कौन जा रहा मुर्दा पहली बार जा रहा। अरे पहली बार देख रहा तुमको, कहा के तुम? 70 मास्टर को पहचानते का तुम? अरे वाह वो 70 मास्टर, अरे बहुत झोल है, उधार खा गया पैसे नहीं दिया उन्हें, उससे वो और मत करना। जवान संभाल के बात करना, वो मेरा भाई लगता है, उसके दूर के रिश्ते की बहन है मैं। अरे तुमको तो मालूम ही नहीं है, तुम्हारी इतनी कैसी तारीफ करता हूँ वो मेरा भाई, कि वो दुकान वाला पहलवान इतना कैसा अच्छा आदमी है, और तुम ऐसा कह रहे हो उसको? ऐसा ऐसी सोच रखता मेरे बारे में हो? मैं तो बहुत बस्तर समझता था उसको, इतनी तारीफ करते हो मेरी, वाह यार। मास्टर बहुत ईमानदार आदमी है, उसको खाता बंद मत करना तुमने। अरे तुमने बोल दिया, हो गया बंद करो। हाँ मैं तो अभी ना गांव में इतना घूम रही, मेरे पास 1000 रुपए की नोट है, छुट्टा ही नहीं मिल रहा कहीं, 200 रुपए छुट्टे है क्या तुम्हारे कने? हाँ ला तो, मैं 5 मिनट में जाती, 1 घंटे में आती अपनी। काम है बात, जरा काम कर, मैं तेरे से ये पूछ रहा स्कूल क्यों बंद है? अरे आज इतवार है ना जनाब। इतवार है सच्ची? अरे घर में कोई है क्या?
अरे घर में कोई है क्या? क्या है रे ओ, क्या है रे, और कौन आ गए भाई? क्या है, क्या बात है? अरे जरा सा बाहर तो आओ, अरे बाहर तो आओ जरा सा। अब किसको रोग आया रे? इसका सत्यानाश हो जाए इसका। जला देके दरवाजा तो डालेंगे क्या रे? तेको मालूम नहीं है फिर मेरा भाई बेटा पुलिस में है, देखते को कैसा देखने लगाती उसको। हाँ अरे भाई मेरे को कोई चोर गिर तो नहीं समझ रही भाई? है मास्टर। अरे तो मास्टर है तो स्कूल में जाना भाई, खुशहाल बच्चों को बैठा देता स्कूल में और फिर तो अपन भोरे के घर। मेरे को गरज नहीं है तुम्हारे वहाँ पे आने की, मामला सीरियस है, इससे आगा मैं तुम्हारे यहाँ। ओ माँ मामला सीरियस है? ओ माँ वो क्या खाली तेरी औरत ने रे भाई मिली थी रे बिचारी, मेरे को पेट ठंडी संडा सा में कह रही थी खाला मेरा दूल्हा है ना एक आदमी मास्तरनी के फिराक में पड़ गा, मैं कुछ भी खा के सो जाऊंगी, क्या खाली बिचारी ने पेट ठंडी में, अब तेको ठंडक पड़ी क्या रे जनाजे? अरे रे 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 रे, अरे तू क्या समझ रही बहन? अरे वो तेरा पोरिया 3 दिन से स्कूल में नहीं आया, इससे आया उसको बुलाने के वास्ते। क्या पढ़ा रहा भाई तू स्कूल में? बच्चे उल्टा होशियार होने के बजाय बददिमाग हो जा रहे। जान दे मत भेज, जा रहा मैं। ओ भाई हाँ मैंने मेरे पोरे को स्कूल में से काट ली और मैंने गैरेज में डाल दी। ओड़ो क्या पढ़ा था अन क्या नहीं तू? मास्टर इंसानियत से पैसे दे दो आप, बहुत दिन हो गए और बहुत झोड़ पर होगा तुम्हारा, बच्चों को क्या सिखा रहे तुम ऐसा? अरे तुम इतने झोड़े तो बच्चे कितने झोड़ निकलेंगे? आज पैसा होना हमको, बिगैर पैसा लिए जाएंगे नहीं हम आज। तुम्हारा झोड़पना बहुत होगा, बहुत दिन से घुमा रहे तुम हमको। मास्टर एड़े जाले बंद करो, अरे पढ़े लिखे है ना तुम, पढ़े लिखे क्या बच्चों का मुस्तकबिल संवारेंगे यार ये ऐसे धंधे पढ़े लिखे होने के बाद? अरे पैसे दो बंद करो ये चाले, अच्छी बात नहीं है, आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल तुम्हारे कंधों पर है, समझे क्या? और ऐसे ही तुम्हारे हालात रहेंगे तो आने वाली नस्ल का खुदा ही ऑफिस है। कही लिए दोनों ने, आए भड़ास काट लिए दिल की है ना। अरे अच्छे अच्छे बात करने को पैसे नहीं लगते मालूम क्या? हेडमास्टर साहब, ओ हेडमास्टर साहब इधर आओ, बताता ना मैं तुमको अभी। हेडमास्टर साहब क्या है इतनी जोर चिल्लाते क्या? इतनी जोर चिल्लाते क्या? पानी पी रहा था लोटे से, लोटा फट से गिर गया। हेडमास्टर साहब जरा सा इनको कहो तुम मेरे को कितने महीने से डबल डबल पगार दे रहे, तुम जरा कहो इनको। अरे 6 महीने से तो स्कूल की ग्रांड नहीं आई, पर डबल पगार कहाँ से दूंगा इनको मैं? कहाँ से दूंगा मैं? सुने देखे है? देखे सुन लिए है ना, पड़ गई ठंडक है? मेरे को शौक नहीं आया, 6 महीने से पगार नहीं मिले ले मेरे को, मेरा घर कैसा चला रहा ना मेरे को मालूम है, और मैं कैसा कैसा पढ़ा रहा ना बच्चों को, और मेरा घर चला रहा ना मेरे जी को मालूम है, समझे क्या? और तुम बोल रहे ना पहलवान आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी मेरे खांदों पे है, है? अरे तो खांदे कमजोर हो जाएंगे तो फिर जिम्मेदारी कैसी क्या रहेंगी, खांदे मजबूत करो, मेरा घर सुखी रहेगा तो मैं यहाँ पे बच्चों को ध्यान से पढ़ाऊंगा, मैं एक तो मेरी वाई वाई में आके बच्चों को पढ़ा भी रहा, क्या क्या करूंगा मैं? मास्टर तुम्हारे यहाँ डामरा वादा बंद करो, आज पैसे का भरोसा नहीं हो तुम्हारे ऊपर, वो हेडमास्टर साहब बोल रहे गिरान नहीं आई, हमको समझ रहा उनकी बात पे हमको भरोसा है, तुम्हारे वादा पे नहीं। अरे सरकार के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से गिरान आएंगी? ऐसा इतना समझगा तुमको है? इनके बातों पे यकीन कर लिए, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, है ना? अरे तो जब पैसे कहाँ से आते गवर्नमेंट के पास? ये काले पीले लीडर लोग करोड़ों रुपए का घोटाला करते, जब पैसे कहाँ से आते उनके पास? वादा कर रहे वहाँ पे। मास्टर बारा वादा छोड़ो, ये जो बच्चे है ना ये कोरी किताब है, इस पे जो लिखेंगे ना वही लिखे जाएगा, बच्चों को ध्यान दो और बंद करो ये बारा वादा। नेकुमत बोलो पहलवान तुम, अरे बच्चों की क्या बात कर रहे हो तुम, हर आदमी की जिंदगी है ना किताब है, तुम्हारी मेरी इनकी इनकी मालूम, और वो किताब पे हम ही लिख रहे हैं, हाँ हम ही लिख रहे, किसकी माँ ने दूध नहीं पिलाई,
कि वो किताब के अंदर जेर जबर का फाल्ट कर दे। मालूम है क्या, हम ही लिख रहे, हमारी किताब हम लिख रहे, हम जो देख रहे, हम जो कर रहे, हम जो करवा रहे, हम जो सुन रहे, वही लिखे जा रहा उसमें। एक दिन है ना, जैसी आंखें बंद होंगे ना, वो जो किताब है ना, ऐसी बंद हो जाएंगे, और जब ऊपर वाले के सामने जब वो किताब जाएंगे ना, जब हम क्या बोलेंगे ये सोचो। बात करना आसान है, आंखें बंद करो और जरा सा सोचो हम क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा ना तुमको, जैसी मेरे पास पैसे आएंगे, पगार मिली, घर को भी नहीं जाऊंगा, पहले तुम्हारे पैसे दूंगा। और मेरे पे भरोसा नहीं है ना तुमको, हेडमास्टर साहब की जिम्मेदारी। पहलवान, जिम्मेदारी इसकी मैं लेता, अगले महीने ग्रांड आने वाली है, इसके पैसे मैं ला के दूंगा। देख रहे भाई, वो हेडमास्टर ने जिम्मेदारी ले लिया, अब ग्रांड आएंगे, पैसे मिल जाएंगे अपने को। चल जान दे।